सोचकर यही निकले थे कि हम अच्छा खेलेंगे और अपना विकेट जल्दी नहीं फेंकेंगे, इसलिए आज रुके लास्ट तक। और बिंदुपुर टीम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि आपका 70 रन बना दिए, इन बच्चों को क्या तरबियत देंगे, हालांकि ये लोग आगे चलकर इंशाल्लाह बहुत अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, अभी तो सीखने का वक्त है इनके लिए क्या पैगाम देंगे आप? बिंदुपुर की टीम भी बहुत अच्छा खेली है और 4 ओवर में 70 रन कम नहीं होता है, बहुत रन बनाए। अगर हम लोग, अगर मेरा विकेट गिर जाता तो शायद उतना रन नहीं बनता और मैच हम लोग शायद हार जाते। पहले तो मैं कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया और हमारे गांव के लोग आए यहाँ पर खेले, और बहुत सी ऐसी टीम थी जो इस लेवल का टूर्नामेंट नहीं खेली, लेकिन यहाँ आके अच्छा लगा, अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, परफॉर्मेंस करने का मौका मिला हम लोग को। बहुत बहुत शुक्रिया ICC कमेटी का और बिंदुवाल के लोगों का। और एक आखिरी सवाल कि आप प्रधान होने के साथ साथ टीम को किस तरह से मैनेज कर पाते हैं कि हमेशा मतलब गांव के प्रधान जो भी होता है वो उलझा हुआ रहा करता है, गांव के मसले में साहब बड़ा गांव हुआ करता है, तो आप खेल और प्रधानी एक साथ किस तरह से संभालते हैं? बस खेल ही नहीं है, बाकी मैं बड़ा हूँ घर का, तो मेरी फैमिली भी है और प्रधानी भी है, क्रिकेट भी जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं शुरू से मेरा सपना था कि मैं क्रिकेट खेलूं, क्रिकेट में आगे बढ़ूं, लेकिन अल्लाह पाक की मर्जी थी, मैं नहीं आगे बढ़ पाया, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि प्लेटफॉर्म अच्छा मिल रहा है, अच्छी पहचान मिल रही है, तो खेला जाए कुछ और अच्छा लगा खेल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रधानी, प्रधानी के साथ आप अच्छी तरह से अपने खेल को भी यहां पे।